हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस के 100 एमसीक्यूज के पार्ट 4 के बारे में, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा पार्ट जो फोर्थ रहेगा, ये टाइप का आपका लास्ट पार्ट रहेगा। और इस पार्ट के ख़त्म होते ही हमने 100 एमसीक्यूज जो थे आपके JKSSB एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस के पूछे गए थे उसको हम कम्प्लीट कर लेंगे। तो जनरल साइंस की बात करें तो ये हमारा सेट रहेगा 4। इससे पहले 3 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा JKSSB के डिफरेंट एग्जाम्स में जनरल साइंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हमने 60 MCQs कवर किए थे, आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ये 61 से रहेगा। आप वीडियो को पास कीजिएगा, पास करके फिर इसका राइट आंसर जो है जरूर मेंशन करते जाइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 61 जहाँ पे बताया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ लोएस्ट क्लोरीफिक वैल्यू। और लोएस्ट क्लोरीफिक वैल्यू बतानी है आपने, वुड की होती है, हाइड्रोजन, कैरोसिन या पेट्रोल। सो 61 का राइट आंसर क्या रहेगा, 61 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए रहेगा, यानी कि वुड। वुड जो है इसमें से इनकी लोएस्ट क्लोरोफिक जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वुड की, ठीक है। सो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट विच प्लेस ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम। जो ग्रेविटी होती है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम कहाँ पे होती है अगर हम बात करें अर्थ की, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है, इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर सी, ठीक है। पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम ग्रेविटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, पोल्स के ऊपर। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी अर्थ आ गई, 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। 23.5 डिग्री पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होगा 23.5 डिग्री साउथ वाली साइड है, ठीक है। ये आपको पोल दिखेगा नॉर्थ पोल, और ये आपको दिखेगा साउथ पोल। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में यहाँ पे बात की है। मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कि इमेजिनरी लाइन है जो 23.5 डिग्री कहाँ पे है, नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और इक्वेटर कहाँ पे, इक्वेटर 0 डिग्री पे है। ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी स्टेट से गुजरता है, और आपको ये स्टेट्स आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। तो अगेन 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 आपको साउथ में देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड्स का सोर्स बताना आपने, अंट है, टोमाटो है, जिंजर है या एप्पल है। सो आंसर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा, अंट इसका राइट आंसर है। तो 63 का आंसर आपका ए बनेगा। तो देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड जिसको जहाँ पे इसको इजा ये क्या होता है, ये बीक एसिड होता है जो ऑकर्स करता है नेचुरली इन द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड अंट्स। द एसिड वाज वंस प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ अंट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, एन एरोबिक डिकम्पोजिशन इज कैरियड आउट इन अब्सेंस ऑफ। किसकी कैरियड, किसकी अब्सेंस में होती है एन एरोबिक डिकम्पोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मिथेन। सो आंसर आपका बनेगा 64 का, दैट इज बी, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनरोबिक जो कंपोजिशन होगी कैरियड आउट इन द अब्सेंस ऑफ, किसकी अब्सेंस में होगी, जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में। आप जी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन। आपने नाम सुना होगा इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है दो टाइप की होती है, एरोबिक एनरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो एनरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके बाद एनरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कब होगी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की बात की गई फिर आपने एरोबिक रेस्पिरेशन लिखना है, और जहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन की बात की गई फिर आपको एनरोबिक रेस्पिरेशन लिखना है, ठीक है। ये दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्पीड, जो स्पीड होती है विंड की उसको मेजर करने के लिए, एनेमोमीटर, सिस्मोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। सो 65 का आंसर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा, दैट इज एनेमोमीटर, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनेमोमीटर क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है विंड की स्पीड और विंड के प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है।
और एनेमोमीटर इंपॉर्टेंट टूल्स होता है मेट्रोलॉजिस्ट हु स्टडी वेदर पैटर्न, ठीक है, जो वेदर को चेकअप करते हैं, यानी कि वो वेदर होता है आज कैसा रहेगा या कल कैसा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेदर को चेक करने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ की इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिस्मिक वेव्स आर प्रोपोगेटिंग वाइब्रेशन दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, आप सभी जानते हैं। देन इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और इसको बोलते हैं हम बैरोमेट्रिक प्रेशर। फिर हाइड्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक सम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड सच एज इट्स डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर्ड विद वाटर, ठीक है। तो ये डिवाइस होती है इसकी हाइड्रोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स लाइज इमीडिएटली अबव द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर या लोनोस्फीयर। सो 66 का आंसर आपका ए बनेगा, इसको बोलेंगे आप स्ट्रेटोस्फीयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फीयर, फिर ऊपर चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आपका थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा गया वो जो है ट्रोपोस्फीयर के इमीडिएटली अबव क्या है, तो ये है आपका ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर को देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, सही स्ट्रेटोस्फीयर है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ बींस, कंट्री ऑफ बींस के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है, डेनमार्क, इंडिया, अर्जेंटीना या इंग्लैंड। सो आंसर आपका ए बनेगा, डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री जो जानी जाती है कंट्री ऑफ बींस के नाम से। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने कंट्रीज की कैपिटल मेंशन कर दी है। डेनमार्क की कैपिटल जो है कोपेनहेगन, उसके बाद इंडिया की न्यू दिल्ली है, और अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, ठीक है, और इंग्लैंड की लंदन है। ये मैंने जहाँ पे कैपिटल जहाँ पे मेंशन कर दी है जहाँ पे हर एक कंट्री की। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 68, प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की बाई विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो मेटल के बारे में जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम बीट कर सकते हैं इंटू थिन शीट्स में, उसको क्या बोलते हैं, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं या सोनोरस बोलते हैं। सो 68 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा ए, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। सो ए इसका राइट आंसर रहेगा 68 का। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन डज अर्थ एमिट, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन जो है अर्थ एमिट्स करती है, अल्ट्रावायलेट, गामा, विजिबल या इंफ्रारेड। सो 69 का आंसर आपका डी बनेगा, इंफ्रारेड इसका राइट आंसर है, ठीक है, सो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 70, इन ह्यूमन बॉडी द हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन जो है इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वाइट ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर या लिम्फ्स के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 70 का आंसर आपका बी बनेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड, जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बात की गई किगली जो एग्रीमेंट है एम टू फेज आउट विच आर द फॉलोइंग गैसेस, गैस में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की गई है, नाइट्रोजन की, इनर्ट गैसेस या ऑक्सीजन। सो 71 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की गई है इस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, तो 71 का आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका स्मॉलेस्ट मास होता है, म्यून है, प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट बताना है हमने फ्रीक्वेंसी का, मीटर, सेकंड, वाट या हर्ट्ज। सो ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का जहाँ पे हर्ट्ज, ठीक है, आंसर डी। तो मीटर जो है किसका है, मीटर ऐसा यूनिट है लेंथ का। फिर बात करेंगे जहाँ पे सेकंड, इस ऐसा यूनिट है किसका, इंटरनेशनल यूनिट, आप ये किसका यूनिट है, टाइम का, ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद ऐसा यूनिट आप वर्क की बात करें तो जूल है, दैट ऑफ टाइम इज सेकंड, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, विच इज कॉमनली रेफर टू एज वाट। 74, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। लिटरेटिवोर्स हो गया, ओमनीवोर्स हो गया, हर्बीवोर्स हो गया या कार्निवोर्स हो गया। सो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्निवोर्स सभी जानते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, मीट खाते हैं या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। तो सम टाइम कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स बोलते हैं। फिर बात करेंगे जहाँ पे ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है।
तो उसको इनको जो खाना अपना खुद बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। फिर बात करेंगे जहाँ पे हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स ऐसे जो होते हैं एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, उसको बोलते हैं हम हर्बीवोर्स। एग्जांपल काउ, गोट, हॉर्स, जेब्रा। नेक्स्ट बात करेंगे जहाँ पे डिट्राइटिवोर्स, ये एक ऐसे टाइप ऑफ हेटरोट्रॉप होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, उन्होंने जिसको बोलते हैं डिट्राइटस, टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपने कीड़े वगैरह देखे हो कि ऐसे, ठीक है, जैसे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा तो उसको खाते हैं, ठीक है, सड़ी हुई चीज़ें, तो ये डिट्राइटिव और उसकी टाइप है, हेटरोट्रॉप की टाइप है, जो कि कंज्यूम करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कौन सी डेफिशिएंसी होती है विटामिन की जिसके कारण बेरीबेरी होती है। ठीक है, सो आंसर आपका 75 का क्या बनेगा, 75 का आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, विटामिन बी वन की का जो है डेफिशिएंसी की वजह से होती है बेरीबेरी। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76, जो प्रोसेस होता है एक्वायरिंग ऑक्सीजन का फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड, उसको क्या ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो 76 का आंसर आपका बनेगा सी, यहाँ पे रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर है। ये प्रोसेस होता है एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77, ऐसा यूनिट बताना है अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, पास्कल है, एम्पियर है, मोल है या कैंडला है। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, मोल, मोल इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पास्कल जो है किसका यूनिट है, प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एम्पियर की बात करें तो एम्पियर ऐसा यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। और उसके बाद कैंडला की बात करें तो ऐसा यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। नो, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें से आपने एग्जांपल बतानी है वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज की, ठीक है। तो इसमें वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर साथ साथ में कमेंट करते जाइएगा। सो आंसर आपका सीधा बनेगा कोलरा, ठीक है, कोलरा इसका राइट आंसर है, आंसर सी, ठीक है। तो वाटर बॉर्न जो इलनेस कॉज बाय रिक्रिएशनल ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर पैथोजेनस को बोलते हैं। ऑफ नोट, मैनी वाटर जो वाटर बॉर्न पैथोजेंस होते हैं कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड आर बीवरेजेस फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स आर इन एनवायरमेंट एंड थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रेड होता है, जिसको बोलते हैं हम वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से आपने बताना फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सी है, ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन बी वन, ए, विटामिन बी सिक्स या विटामिन जहाँ पे सी। सो आपकी बी बनेगा राइट आंसर, विटामिन ए जो है फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो विटामिन होती है रिक्वायर्ड होती है डाइट के लिए टू प्रमोट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, ठीक है। और विटामिन ए, डी एंड के, ये इनको बोलते हैं हम फैट सॉल्यूबल विटामिन, बिकॉज दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर अब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ फैट्स। क्वेश्चन नंबर 80, हु प्रपोज एन एटम मॉडल विद डिक्रेट ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल, क्या उसको किसने दिया था, जे थॉम्सन, नील बोहर ने, एंटोनियो लेवोसियर या जोसेफ प्रोस्ट। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, नील बोहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, किलोवाट जो है किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, यानी कि किसको इज अ यूनिट टू मेजर, कैसे वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। सो किलोवाट इसका राइट आंसर रहेगा जहाँ पे बी, दैट इज पावर, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर पावर। सो आंसर बी बनेगा। ऐसे यूनिट बताना आपने वर्क का जहाँ पे, इसको बोलते हैं जूल। और जो वर्क होता है डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82, किलोवाट इज अ यूनिट विच मेजर, सो इसमें आप देख सकते हैं पावर यूज बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। सो 82 का आंसर बनेगा जहाँ पे डी, जहाँ पे बी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक, इसमें से कौन सी एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होती ह्यूमन स्टोमक के अंदर, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है या ट्राइप्सन है। सो आंसर आपका जहाँ पे क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है, ट्राइप्सन जो है प्रेजेंट नहीं होती ह्यूमन स्टोमक के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइप की एंजाइम्स होती है जो प्रेजेंट होती है स्टोमक, पेप्सिन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, और ट्राइप्सन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो जहाँ पे नॉट पूछा गया तो आपका ट्राइप्सन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 84, नेम द बीन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बीन्स के बारे में बताना कौन सी बीन है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किडनी, आर्टरीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है, आर्टरीज उसको बोलते हैं, आंसर बी बनेगा। तो आर्टरीज जो होती है अटैच होती है हर्ट के साथ, दे क्या करती है, कैरी करती है रिच ब्लड फ्रॉम द हर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, द कन्वेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एट पावर प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। सो 85 का आंसर आपका ये बनेगा, इसको बोलेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, इसमें से कौन सी वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, लाइट वेव्स या साउंड वेव्स। सो 86 का आंसर आपका डी बनेगा, इसको बोलेंगे हम साउंड वेव, साउंड वेव इसका राइट आंसर है, आंसर डी बनेगा। डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन ए की इस चिल्ड्रन, इससे क्या होता है, कैसे गोइटर होता है, पूर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, पूर बोन ग्रोथ होती है या इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी रहता है। तो डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन ए की इस चिल्ड्रन, इसका इससे रहता है इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, बेसिक फंक्शनल यूनिट बताना हमने किडनी का क्या है, पैरामिड है, हैंडलिंग लूप है, नेफ्रॉन है या नेफ्रेडिया है। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। पीएच बताना हमने ब्लड का कितना होता है, 7.4, 2.4, 11 या 14। तो पीएच जो होता है ब्लड का वो कितना होता है, दैट इज आंसर आपका ए बनेगा, 7.4। मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, फिनेल बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। सो आप सभी जानते हैं इसको बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो है मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, ब्लीचिंग एजेंट होता है फॉर डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। जो एक्ट होता है ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू ए फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं या पोलीमराइजेशन बोलते हैं। सो आंसर आपका सी बनेगा, पोलिनेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसमें से कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्सेज है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म नहीं होता है, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी या विंड एनर्जी। सो आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, नेचुरल गैस जो है इसको शॉर्ट टर्म में इसको ये रिप्लेनिश्ड नहीं होता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 93, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर, बायोटिक कम्युनिटी के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, इसमें कार्निवोर्स है, डेटोराइटिवोर्स है, हर्बीवोर्स है या ओमनीवोर्स है। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, हर्बीवोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आपका क्या आएगा, हर्बीवोर्स। जो प्रोसेस होता है एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, सो आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सो 94 का आंसर आपका बी बनेगा, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है जिसमें सल्फर एडिंग टू रबर। क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे स्टोर होती है, प्यूरिफिक एसिड्स, प्यूरिफाइक, उसके बाद आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, एंडिनोसाइड, ट्राइपोसफेट या एडिनोसाइन मोनोस्फेट। सो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइपोसफेट इसका राइट आंसर है। मोस्ट ऑफ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन एडिनोसाइन में, ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ, सो विटामिन सी, डी, बी या के। सो आंसर आपका जहां पे बी बनेगा, ठीक है, यानी कि विटामिन डी जो है इससे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ, विटामिन डी की अब्सेंस में। क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट कॉमन जो मटेरियल यूज किया जाता है मेकिंग सोलर सेल, इसमें क्या है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या सिलिकॉन है। सो 97 का आंसर आपका डी बनेगा, इसको बोलेंगे हम सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज सच एज कोलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, इसमें से कौन सी जो डिजीज है रिस्पॉन्सिबल है कोलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस के लिए, हीट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और फूड आइटम्स। तो सभी जानते हैं इससे क्या, कौन सी जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है इस डिजीज के लिए, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 98, 99, विच रेडिएशन ऑफ सनलाइट इज यूज इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर, कौन सी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन जो होती है सनलाइट की यूज की जाती है इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर। इसमें ऑप्शन है आपके पास अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स या गामा रेस। सो 99 का आंसर आपका बी बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट इज कॉल्ड, क्या उसको हर्ट्स बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं या मोल्स बोलते हैं। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, दैट इज डेसिबल्स। तो ये आज का हमारा वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने 100 MCQs को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 100 MCQs को कवर किया, जिस 4 वीडियोस के अंदर हमने कवर किया है। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड था, इससे पहले हमने 60 MCQs किए थे, आज हमने जल्दी जल्दी से 40 MCQs को कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत देर से ये पेंडिंग था आपका टॉपिक। और मैं आपको बताना चाहूँगा JKSSP के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप स्पेशल वीडियो कोई चाहते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।